चलिए, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में बाबू क्लास 10th इंग्लिश के शॉर्ट आंसर के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका चैप्टर फर्स्ट है, लेटर टू गॉड यानी ईश्वर को एक पत्र, जिसमें किसान रहता है जिसका नाम लंचो होता है, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो ईश्वर से मदद मांगते हैं, मदद में 100 पैसे मांगते हैं, मिलकर उसको 70 पैसे और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को बंच ऑफ क्रॉक्स कहता है। बात करें शॉर्ट आंसर में क्या चीज़ें पूछी गई हैं, तो व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड व्हाई, यानी बारिश की बूंदों की तुलना किससे की गई थी और क्यों। तो द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू द न्यू कॉइन्स बिकॉज इट वॉज वेरी नेसेसरी फॉर हिज क्रॉप, बारिश के बूंदों की तुलना नए सिक्कों से की गई थी क्योंकि ये उसकी फसल के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी थे। व्हाट प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, यानी क्या चीज़ें ये वादा कर रही थी कि फसल अच्छी होगी। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, यानी जो राइप जो उसकी फसल थी वो प्रॉमिस कर रही थी, वादा कर रही थी कि इस बार आपका फसल बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छी प्रॉफिट आपको मिलेगा। अगला है हाउ डिड लंचोस प्रेडिक्शन अबाउट द रेन कम ट्रू, लंचो की जो भविष्य प्रेडिक्शन मतलब होता है भविष्यवाणी, लंचो की भविष्यवाणी कैसे सही हो गई बरसात के बारे में। तो लंचोस प्रेडिक्शन अबाउट द रेन कम ट्रू व्हेन द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, जब बारिश की बूंदें जब गिरना शुरू हो गई, या कह सकते हैं जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बादल आने लगे, तो उसको ये महसूस हो गया और ये मान लिया उसने कि मेरी जो प्रेडिक्शन थी भविष्यवाणी थी वो सही हो गई। अगला है व्हाई वॉज लंचो सोल फील्ड विद सरो, लंचो का जो हृदय था वो दुख से क्यों भर गया, तो बाबू क्यों भर गया, क्योंकि उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा लंचोज हार्ट, इसमें हार्ट की स्पेलिंग आपकी गलत लिखी है, एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा। ठीक, लंचोज हार्ट वॉज फिल्ड विद सोरो बिकॉज हिज क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, लंचो का जो दिल था बाबू वो दुख से भर गया क्योंकि उसका जो फसल था पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वाई वॉज लंचो एंग्री एंड वाई वॉज लंचो सोल फिल्ड विद सैडनेस, हाउ मच मनी लंचो डिमांडेड एंड हाउ मच डिड ही गेट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। व्हाट वॉज द लंचो नॉट रियली अपसेट, लंचो बहुत ज़्यादा दुखी क्यों नहीं था, तो लंचोज फैमिली वॉज नॉट रियली अपसेट बिकॉज दे फेथ इन गॉड नो वन डाइज ऑफ हंगर, लंचो का परिवार बहुत ज़्यादा दुख में इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई भी भूखा नहीं मरता और उनको ईश्वर में विश्वास था। डिड द पोस्ट मास्टर सेंड द रिप्लाई टू द लंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड, कि क्या जो है अच्छा वाई डिड द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर ने उसके पत्र का जवाब क्यों दे दिया था, ये क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया कि पोस्ट मास्टर ने उसका जवाब क्यों दे दिया था। तो कह रहे इन ऑर्डर टू नॉट सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी इस क्रम में कि जो राइटर है जो लेखक है उसका जो ईश्वर के प्रति विश्वास है वो कायम रहे बरकरार रहे, इसीलिए क्या किया था उसने जो है उसके लंचो के पत्र का रिप्लाई कर दिया था जो कि ईश्वर को लिखा गया था। अगला है हु हेल्प्ड लंचो, लंचो की मदद किसने की, तो लंचो वॉज हेल्प बाई द पोस्ट मास्टर एंड हिज सेवरल फ्रेंड्स फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी लंचो की मदद बाबू किसने की थी, तो लंचो की मदद पोस्ट मास्टर ने की थी, उसके दोस्तों ने की थी, किस लिए चैरिटी के लिए, चैरिटी मतलब होता है चंदा या दान। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डिड द लंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, लंचो ने जब रिसीव किया लेटर को तो गुस्सा हो क्यों हो गया, लंचो बिकम एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द मनी व्हेन ही काउंटेड, लंचो बिकम एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द वेन ही रिसीव द लेटर एंड काउंटेड द मनी, लंचो तब गुस्सा हो गया जब उसने पैसे लेटर को पाया और पैसे को गिनना शुरू कर दिया। अगला डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर द बंच ऑफ क्रूक्स, क्या आपको लगता है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज बंच ऑफ क्रूक्स थे, तो नहीं थे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने ही उनकी मदद की थी, ईश्वर ने उनकी कोई मदद नहीं की थी। अगला है वाज लंचो सरप्राइज टू फाइंड द लेटर फ्रॉम द गॉड इन इट, क्या लंचो को हैरानी हुई जब उसने पत्र पाया, तो नहीं, लंचो को किसी भी तरह की कोई हैरानी नहीं हुई थी। ठीक है, अब इसी वीडियो में बाबू कवर करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को भी कवर कर लेते हैं। अगला इसमें क्वेश्चन बाबू दिया हु वाज लंचो, लंचो कौन था, तो इसमें लॉन्ग में आपको बाबू लिखना है, तो कम से कम आपको 30-40 शब्द 50 शब्द में आपको लिखना पड़ेगा। लॉन्ग में भी आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से 1 करना रहेगा, शॉर्ट में से 3, 3 में से 2 करना रहेगा, MCQ 20 आते हैं और पैसे रिलेटेड क्वेश्चन तो आपके आते ही आते हैं। लंचो कौन था, तो लंचो लिव इन अ सॉलिटरी हाउस, यानी लंचो एक तनहा मकान में रहता था, ऑन द क्रस्ट ऑफ लो हिल पहाड़ी के नीचे, इन अ वैली और घाटी में रहता था, फ्रॉम देयर जहाँ से ही कुड सर्वे एंड सी द रिवर एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, लंचो जहाँ पर रहता था वहाँ से अपने जो है खेत को और कह सकते हैं नदियों को देख सकता था, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, यानी जो उसके फसल लगी थी और फसल पे जो फूल लगे थे वो हमेशा वादा करते थे कि बहुत अच्छी असल फसल होगी और इस बार मुनाफा बहुत अच्छा होगा। लंचोज फैमिली वॉज डाउन पोर एंड लंचो, इसमें कहा गया लंचोज फैमिली ओनली विश वॉज द डाउन पोर, लंचो और उसके परिवार की सिर्फ उम्मीद थी कि डाउन पोर मतलब हल्की सी बारिश हो जाती। हु न्यू इस फील्ड इंटीमेटली, लंचो अपनी फील्ड को अच्छे से जानता था और लंचो ने भविष्यवाणी की थी, प्रिडिक्टर मतलब होता भविष्यवाणी करना, लंचो ने भविष्यवाणी की थी, दिस प्रिडिक्शन टर्न ट्रू व्हेन द स्टार्टिंग रेन एवरी इवनिंग, और उसकी प्रिडिक्शन थी जो सही हो गई जब उसने देखा कि शाम के समय बारिश होना शुरू हो गया। ही वेंट टू फील द प्लेजर ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी, और वो जब बारिश की शुरू हो गई तो उसने क्या किया, सर्वे करने के लिए क्या हुआ, बाहर निकल गया और वहाँ से उसने देखना शुरू कर दिया। विद द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज क्रॉप ड्रैप्ड इन टू द कर्टेन ऑफ रेन, उस पर जब बारिश की बूंदें पड़ी तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ही रिगार्डेड द ड्रॉप, और उसने कहा कि जो बारिश, ही रिगार्डेड द रेन ड्रॉप्स एज द न्यू सिल्वर का, उसने कहा कि भैया ये पानी नहीं बरस रहा है, ये तो पैसा बरस रहा है जो कि ईश्वर हमको दे रहा है। अगला बाबू इसमें क्या, बींग आउट द लंचोज इमेन फेस इन गॉड, यानी लंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास था, इसको बताइए। लंचो वॉन्टेड सम रेन फ्रॉम द क्रॉप,
फॉर हिज क्रॉप, यानी लेंचो को अपनी फसल के लिए कुछ क्रॉप की जरूरत थी, एंड द राइप क्रॉप स्टूड प्राउड एंड फील्ड एंड प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और जो बाबू पकी हुई जो फसल उसकी, जो कॉर्न की जो फसल लगी थी, वो खड़े थे और ऐसा लगता था जैसे बहुत, या ऐसा वादा करते थे वो, या ऐसा देख कर लगता था कि इस बार बहुत अच्छा मुनाफा होने वाला है। रेन केम ट्रू एज ही प्रेडिक्टेड बट टर्न टू हिल। अच्छा, रेन हो गया इसकी, जब इसने प्रेडिक्शन किया, इसकी प्रेडिक्शन सही हो गई, रेन बारिश होने लगी, तभी क्या हुआ कि बहुत तेज़ी से हवा चलने लगी। लेंचोज हार्ट वॉज फिल्ड विद सॉरो, और लेंचो का जो दिल था, वो हृदय जो था, वो दुख से भर गया। बट ही डिड नॉट लॉस होप, लेकिन फिर भी उसने उम्मीद नहीं हारी। ही हैड द फर्म बिलीफ इन गॉड, क्योंकि उसको ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास था। ही रोट अ लेटर आस्किंग हिम टू सेंड सम सेंड 100 पैसा। इसने क्या किया, जब इसकी फसल बर्बाद हो गई तो इसने ईश्वर को पत्र लिखा और कहा मुझे 100 पैसा ईश्वर दे दो। सो ही कुड सो द फील्ड अगेन, जिससे मैं फसल को दोबारा लगा सकूं। द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर एंड रेड्स टू द गॉड, जब पोस्ट मास्टर ने इस पत्र को पढ़ा, ठीक है, एंड मेंटेन द फेथ इन गॉड रिवाइज एंड पोर्स एंड सेंड द 70 पैसा टू देम लेंचो। जब उसने देखा कि यार बहुत परेशान हाल है, उसने पत्र में लिखा था, हे ईश्वर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मरेंगे, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जो मुसीबत या कह सकते हैं बारिश ने मेरी सारी फसल को बर्बाद कर दिया है। तो इस बात को सुनकर तरस आ गई और इन लोगों ने क्या किया, मदद करने की ठान ली, और इन लोगों ने लंचो की मदद कर दी थी। अब अगला बाबू इसमें दिया हुआ है आपका, हाउ डिड द हेलस्टोन अफेक्ट द लंचोस फील्ड, व्हाट वाज हिज ओनली होप। ठीक है, यानी लंचो इसमें आपका क्या है, व्हाट वाज द ओनली, एक सेकंड, व्हाट हाउ डिड द हेलस्टोन अफेक्ट लंचोस फील्ड, यानी हेलस्टोन ने लंचो की फील्ड को कैसे अफेक्ट किया था। तो बींग अ स्मॉल फार्मर, यानी छोटा किसान होने के नाते, लंचो कम्प्लीटली डिपेंड ऑन हिज क्रॉप, लंचो जो था अपनी फसल पर पूरी तरह से डिपेंड था। एंड हैवी डाउन पोर अकर्ड एंड अलॉन्ग विद द हेलस्टोन, यानी जब बारिश हुई तो बारिश के साथ बहुत भयानक से रूप से पत्थर गिरे, एंड स्टार्टेड टू फॉलिंग, और बहुत मतलब तेजी से पत्थर गिरने लगे। एज अ रिजल्ट ऑफ टर्न वाइट, और इससे क्या हुआ कि उसकी जो फसल थी पूरी तरह से, ऐसा लगता जैसे साल्ट बिछ गया हो, नमक बिछ गया हो, और पूरी तरह से उसकी जो क्रॉप थी बाबू डिस्ट्रॉय है गई। एंड इवन द सिंगल, और उस पे एक भी फूल नजर नहीं आ रहे थे। देयर वाज ओनली होप टू हेल्प फ्रॉम द गॉड, देयर वाज देन वन हेल्प हिम टू इन हिज प्रॉब्लम। और इसको इन सारी चीज़ों को सोचा कि एक ही चीज़ है कि मैं क्या कर दूं, ईश्वर से मदद ले लूं। गांव भैया कोई मदद करने वाला नहीं, ईश्वर से मदद ले लूं, यही मेरी क्या है, एक उम्मीद है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया, देखिए किसी भी क्वेश्चन को मैंने इसमें छोड़ा नहीं, सारे क्वेश्चन को कवर किया है। और क्योंकि देखिए बाबू, एक बार अगर आप लिखे रहेंगे तो कुछ आइडिया रहेगा कि कैसे आपको लिखना है, ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुनासिब मैंने नहीं समझा कि इसको मैं छोड़ूं। अगला, हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प लंचो, हाउ डिड लंचो रिएक्ट टू दियर हेल्प, यानी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने कैसे उसकी, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने कैसे लंचो की मदद की, और लंचो ने कैसे रीड किया। तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने बाबू चंदा करके इन लोगों की मदद की थी, 100 पैसा मांगा था, लेकिन इसने कोशिश किया कि मैं दे दूं, लेकिन ये बेचारा दे नहीं पाया, 70 पैसे ही दे पाए। और लंचो ने कोई रिएक्शन नहीं किया, बल्कि इन्होंने कहा कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज है वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। अब आंसर आपका देखिए, द पोस्ट मास्टर needed something more than the ink and the paper to answer the letter, ठीक है, यानी पोस्ट मास्टर को पैसे की भी ज़रूरत थी, उसको उसकी पत्र का, उसकी खत का जवाब देने के लिए सिर्फ जो है पेपर और इंक की जरूरत नहीं, बल्कि पैसे की भी ज़रूरत थी। ही नीडेड 100 पैसा टू गिव हिम ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, तो उसको 100 पैसे की ज़रूरत थी, ठीक है, उसकी मदद करने के लिए। उसने अपनी सैलरी से कुछ हिस्सा दिया, कुछ अपने दोस्तों से मांगा, कहा कंट्रीब्यूट कर दो, चैरिटी के लिए दे दो। उसने सारी चीज़ों को करने के बाद सिर्फ 70 पैसा मैनेज हो पाया। लंचो जब पत्र मिला तो सरप्राइज नहीं हुआ, बल्कि गुस्सा हो गया, जब उसने गिना कि सिर्फ 70 पैसे हैं, उसने 100 पैसे मांगे थे। उसने कहा, हे ईश्वर, मुझे बचे हुए जो 30 पैसे मुझे जल्दी भिजवा दो, मुझे बहुत जल्दी काम है, इस बार पैसे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज के माध्यम से मत देना, क्योंकि वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं। अगला बाबू, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लंचो एंड कैरेक्टर्स ऑफ पोस्टमास्टर, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, इन लंचो के बारे में बताइए, जितनी चीजें पता, क्या लंचो जैसे बाबू एक गरीब किसान था, बहुत मेहनती था, हार्ड वर्किंग था, ये सारी चीजों को लिख देना है। तो कैरेक्टर्स लंचो का, लंचो इज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, यानी लंचो एक मेहनती किसान था। वाज अ सिंपल मैन, बहुत साधारण आदमी था, हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती था। हु वर्कड फॉर एन ऑक्शन फील्ड, और ऐसा लगता था, मतलब कह सकते हैं ऑक्शन, OXEN, ऑक्शन मतलब होता बैल की तरह, ठीक है, यानी बैलों की तरह क्या करता था, वो काम कर रहा था अपने खेत में, ठीक है। अगला इसमें एक को पॉइंट दिया है, लव्स फैमिली लंचो इंटायर द क्रॉप वाज लंचो लव फैमिली, यानी अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा वो प्रेम करता था, अपने परिवार को बहुत ज़्यादा मानता था। लंचोज इंटायर क्रॉप वाज बैडली डिस्ट्रॉयड, यानी लंचो की जो फसल थी बहुत बुरी तरह से ख़राब हो गई थी बाई द हेलस्टोन, यानी कि बर्फ की बारिश से। सो ही बिकम वेरी सैड, इसलिए बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, एंड बिकॉज ही वॉज वरीड अबाउट हिज फैमिली, क्योंकि उसके अपने परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता थी। अगला, इनोसेंट मैन, यानी बहुत मासूम आदमी था। लंचो डिड नॉट नो डैट देयर वॉज नो सच लिविंग पर्सन
एज गॉड हु कुड सेंड हिम मनी। लेंचो ने बाबू बहुत इनोसेंट था, बहुत मासूम बंदा था, इस बात से पता लगाया जा सकता है कि इसने कहा मेरा दुनिया में कोई मदद करने वाला नहीं है, जो कुछ भी मुझे मदद मिलेगी वो मदद सिर्फ मुझे ईश्वर से मिलेगी। तो इस पर बहुत ज़्यादा दया रही थी। और इसमें आपका था एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन ऑल्दो हिज ओनली सोर्स ऑफ लिविंग वाज टेकन अवे। अच्छा, बहुत ज़्यादा बेचारा कह सकते हैं मजबूत दिल का था, क्योंकि उसका जो उसकी जो बाबू वे था जरिया था इनकम का, उसके इनकम का जरिया खो चुका था, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी उम्मीद को नहीं त्यागा, बल्कि ईश्वर में अपनी वफा को कायम रखा। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था और उसने ईश्वर से मदद मांगने की ठान ली। ठीक है, अब इसमें बाबू आपका ये आपके MCQ हो गए, शॉर्ट हो गए, लॉन्ग हो गए, इन सारे क्वेश्चंस को मैंने अब तक में इसमें आपको कवर कर लिया है। उम्मीद है कि वीडियोस थोड़ी बहुत आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।